नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गर्मियों में जो दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि सन स्ट्रोक हो रहा है, धूप टेम्परेचर है वो तेज़ हो रहा है, धूप बहुत तीखी पड़ने लग गई, एक तरीके से एकदम चमकीली वाइट हो रही है। ऐसी स्थिति में अपना जो सरफेस है, बॉटम सरफेस है, यानी कि सड़क है या जो भी रास्ते हैं, वो भी गर्मी से एक हीट वेव से ऊपर की तरफ तपन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम पैदल चले तो भी हम ऐसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे ऊपर से धूप पड़ रही है, यानी कि जमीन भी गर्म है और सूरज की तपन भी गर्म है। दोनों के कारण या दोनों स्थिति में तेज धूप लग जाए, कहते हैं कि लू लग गई, ऐसी कंडीशन में सिर दर्द आने लग जाता है, किसी किसी को वर्टिगो आ जाते हैं, यानी कि चक्कर आ जाते हैं, बॉडी इस तरीके से महसूस करने लग जाती है जैसे हम स्पंज को निचोड़ के उसमें से पानी को निकाल देते हैं, ऐसी बॉडी डिहाइड्रेशन महसूस करती है, पसीना इतना ज़्यादा आता है। और मार्केट में यदि हम पानी भी पी रहे हैं तो उस क्वांटिटी से जितना ब्लड में ज़रूरत है एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता, पूरी बॉडी से एकदम पसीना आना, चमकीली धूप में आप हैं तो आपके ऊपर सिर में इतना भारीपन आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इन चीज़ों से राहत दिलाती है? थोड़े थोड़े से अंतर हैं इन तीनों मेडिसिनों में। मैं तीन मेडिसिन आज आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब के अंदर होता है क्या है कि आप सफ़र करके आए, गर्मी लगी, यानी कि बाइक पे चल के आए, आप कार या बस नहीं है या ट्रेन नहीं है, आप बाइक पे या साइकिल पे चल के आए हैं और काफ़ी देर आप धूप में रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हेडेक अलग होगा, बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उस स्थिति में आप नेट्रम कार्ब यूज़ करेंगे, आपको दूध पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, दूध भी थोड़ा सा पीएंगे तो गैस बना देता है। ऐसे पेशेंटों को नेट्रम कार्ब की कुछ डोजे लेने के बाद वो सिर दर्द, वो चक्कर, वटाइगो जो आ रहा था, वो उन सभी स्थिति में आराम आता चला जाता है। तो नेट्रम का हेडेक होने पे, यानी कि सनस्ट्रोक के समय हेडेक होने लग जाए उस समय नेट्रम का यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, तो अगली मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन भी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है कि कमजोरी आ रही है, धूप सहन नहीं हो रही है, एक चमकीली धूप है, बीपी ऊपर हो जाता है, उस कंडीशन में आप ग्लू-930 की कुछ डोजे लेंगे तो सिर दर्द और आपका जो बीपी है वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। दोस्तों, एक और मेडिसिन है कि पानी, मान लीजिए नहीं हो, क्योंकि हर सफ़र में हर व्यक्ति बोतल लेके नहीं चल पाता, या ऐसा होता है कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे और वहाँ हमारा काम नहीं हुआ, धूप में ज़्यादा समय हम रह गए, तो ऐसी कंडीशन में जो डिहाइड्रेशन होता है और उसकी वजह से जो कमजोरी आ जाती है, पानी नहीं पिया या कोई भी हम लिक्विड नहीं पी पाए और डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि पसीने रेगुलर आ रहे हैं, हम धूप में हैं, उस कंडीशन में जो कमजोरी आती है उसमें आप सिंकोना यानी कि चाइना मेडिसिन की कुछ डोजे लेंगे, आपको ऐसी स्थिति में आराम आ जाएगा। तो ये तीन ही मेडिसिन ऐसी हैं जो इस समय गर्मी से जो परेशानियाँ आती हैं उन तीनों कंडीशन में बहुत बेहतरीन परिणाम देती है। बाकी मेडिसिन बहुत सारी हैं, यहाँ एक वीडियो के माध्यम से केवल एक यूजर जो मेडिसिन यूज कर सके एक नॉर्मल वे में, जैसे बोलते हैं पैरासीटामोल फीवर भी उतार देती है, दर्द भी कम कर देती है, लूज मोशन हो रहा है या छोटा मोटा इन्फेक्शन हो रहा है, तो पैरासीटामोल अधिकतर अधिकतर प्रॉब्लम्स में कॉमन मेडिसिन है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी हम एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें पैरासीटामोल जरूर साल्ट आपको मिल जाता, तो उसी तरीके से ये तीन मेडिसिनें ऐसी हैं जो आपको धूप के कारण हुई परेशानियों में काफ़ी हद तक आराम दिलाएंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्या पता उनको इस जानकारी की या इस तरीके की परेशानी के लिए जो मेडिसिन तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। नमस्कार दोस्तों।